सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। आज हम अपने फार्म पे ही हैं और काफ़ी सारे पशु हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें काफ़ी सारी कटड़ियाँ और दूध वाली भैंस, काफ़ी सारे पशु हैं हमारे पास बिक्री के लिए। इसमें से एक दो पशु बिके हुए भी हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। और जो भैंस हैं दूध वाली, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत ही अच्छी दूध की भैंसें अभी फ़िलहाल अपने पास आई हुई हैं। ये सामने बूढ़ी भैंस का दूध निकाल रहा है बोड़ा। तो सभी पशुओं के बारे में डिटेल से जानकारी देता हूँ एक एक करके। आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। तो बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं हमारे पास कटड़ियों के लिए। तो ये जो कटड़ियाँ हैं, ये हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं सारी की सारी। इसमें से ये पहले नंबर पर कटड़ी देखिए, बिल्कुल छोटे सींग की बनेगी, लगभग 11 महीने के आसपास, 10-11-12 महीने की, 10 महीने से लेके 12 महीने तक की एज कटड़ी की है। और एक नंबर पे ये कटड़ी हमारे पास बंधी हुई है। पूंछ इसकी बिल्कुल जेड ब्लैक है, ये देखिए, कोई भी बाल वाइट नहीं है। और नीचे की जो सिस्टम है वो भी अच्छा है, ये देखिए। एक कटड़ी दो नंबर पे छोटे वाली, ये लगभग 11 महीने की उम्र है इस कटड़ी की, ये भी छोटे सींग की बनेगी। ये भी हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। और जो इसका पूंछ है वो थोड़ी सी वाइट है नीचे से, लगभग मैं कहूँगा 2 इंच के आसपास, थनों का गैप इसका भी बहुत बढ़िया है, ये देखिए। इसके अलावा तीन नंबर पे ये कटड़ी बंधी हुई है, इसकी माँ का दूध बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इसकी माँ ने लगभग 18 किलो दूध इसकी माँ ने दिया हुआ है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। ये देखिए, ये भी छोटे सींग की बनेगी। उम्र इसकी भी जो पहले वाली कटड़ियाँ हैं उन्हीं के लगभग बराबर है, लेकिन साइज में उनसे डबल है। 10-11 महीने की और 10 महीने से लेके 12 महीने तक की उम्र है इस कटड़ी की, साइज में उनसे डबल। ये देखिए, सामने दिखाई भी दे रहा होगा आपको, जो और कटड़ियाँ हैं उनसे डबल हैं। पूँछ इसकी भी थोड़ी सी वाइट है, लगभग मैं कहूँगा 3 इंच के आसपास। और नीचे का सिस्टम इसका बहुत बेहतरीन है, ये देखिए, चारों के चारों थन बिल्कुल अलग अलग और खुले खुले हैं। और इसके साथ ही एक कटड़ी और, ये आगे, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा सींग बड़ा निकला हुआ है, बनने वाला है, लगभग मैं कहूँगा 1.5 साल की उम्र है इस कटड़ी की। और इसकी भी पूँछ बिल्कुल जेड ब्लैक है, ये देखिए, बिल्कुल जेड ब्लैक पूँछ है। और नीचे का सिस्टम सभी कटड़ियों के थन चारों अलग अलग हैं, कोई पाँचवें थन का या कोई और जिसको हम पपैया बोलते हैं वो नहीं है। ये देखिए, थनों का गैप इसका भी अच्छा है। तो ये कटड़ी तो लगभग मैं कहूँगा 1.5 साल की है, 2-3 महीने में प्रेग्नेंट होने वाली भी है, 3-4 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी। इसके साथ ही ये कटड़ी और खड़ी है, ये भी लगभग 3-4 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी। सींग ये भी बिल्कुल छोटे सींग की है, ये देखिए, दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, भीड़ बड़ा, भीड़ ज़्यादा है, पशु ज़्यादा होने के कारण इसने बोल रही थोड़ी साइड में, ये देखिए, थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया होगा। बाकी ये देखिए, बिल्कुल छोटे सींग की बनेगी, ये भी सींग इसका भी बनने वाला है, जेड ब्लैक मैं कह रहा था, काली पूंछ है। और थन देखिए बहुत बढ़िया है, चारों थन बिल्कुल अलग अलग है। तो ये कटड़ी फिर आ गई कौन से नंबर पे, 3 और 2 5वें नंबर पे, छठे नंबर पे फिर ये कटड़ी है। ये लगभग इसमें से 4-5 कटड़ियाँ ऐसी हैं जो अगले 2 से 6 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। ये भी बिल्कुल छोटे सींग की बनेगी और पूंछ इसकी भी बिल्कुल जेड ब्लैक है और थनों का गैप इसका भी अच्छा है, ये देखिए, चारों थन अलग अलग हैं, बिल्कुल छोटे सींग की कटड़ी है। और लगभग मैं कहूँगा जो आगे वाली जितनी भी कटड़ियाँ मैं आपको दिखाऊँगा, लगभग प्रेग्नेंट 6 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। एक बूरी कटड़ी बहुत सारे भाइयों की डिमांड आती है, बूरी कटड़ी भी है हमारे पास, ये देखिए, और बहुत अच्छी जिसको हम तेलिया बूरी कहते हैं वो है। और ये देखिए, थनों का गैप अडर बनने वाली, ये भी बहुत बढ़िया है। तो एक कटड़ी ये जो कि सुल्तानपुर गांव से आई है और लगभग 22-23 किलो दूध वाली भैंस की कटड़ी है, सींग इसका भी बिल्कुल छोटा बनेगा, ये देखिए, 22-23 किलो दूध इसकी माँ ने निकाल रखा है, सुल्तानपुर गाँव से आई है। और ये देखिए, इसका नीचे का सिस्टम बहुत ही बढ़िया, जो थन है चारों अलग अलग, रिंकल्स वगैरह चमड़ी पे अच्छे हैं। और थोड़ा सा पूंछ में
वाइट बाल हैं, लगभग मैं कहूँगा 50-100 बाल ही हैं वाइट पूंछ में। ये कटड़ी जो है ये बिकी हुई है और ये बैतूल जाएगी, हमारे मित्र हैं पूर्व विधायक वहाँ उनके पास, और ये कटड़ियाँ भी उनके पास जाएंगी। इसमें और भी कुछ कटड़ियाँ हैं, लगभग 5-6 कटड़ियाँ उनके पास बैतूल में जाएंगी। तो ये लास्ट वाली कटड़ी बिकी हुई है दूध वाली भैंस, मैं आपको दिखाता हूँ, आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इन कटड़ियों के ऊपर एक बार मैं बात ख़त्म कर लेता हूँ। ये कटड़ियाँ लगभग पंचायती बुलों की और HLDB के सीमन की हैं। जो बूरी कटड़ी है इसकी माँ भी बूरी है और ये बुल से करवा रखी है, इसके जो फादर है वो HLDB का ना होके बुल है, पंचायती बुल है। तो लगभग जो कटड़ियाँ हैं पंचायती बुलों की और HLDB के सीमन की हैं, और माँ का दूध लगभग 14 किलो से शुरू होके और 17-18 किलो तक 23 किलो दूध वाली भैंस की कटड़ी भी हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो इसमें जैसा कि मैं बता रहा था, 3 नंबर पे है ये कटड़ी 18 किलो दूध वाली भैंस की, और एक फिर आगे ये जो 23 किलो दूध वाली भैंस की कटड़ी है ये भी, ये देखिए। तो बहुत सारी कटड़ियां हैं बहुत अच्छे दूध की लाइन की, और पंचायती बुल और HLDB के सीमन की। आगे फिर हमारे पास ये घर के जो एनिमल हैं 3-4 वो आ गए। इसमें ये कटड़ा जो अपनी जो टीका है लगभग 7 महीने की एज है, जो ये सामने जज्जर में जोटी 4 नंबर पे आई थी उसका बेटा एक कटड़ी, ये भी घर रखी है अभी थोड़े दिन पहले ही हम अपने फार्म पे आई है। और एक ये बाखड़ी भैंस, आप देखेंगे वीडियो के एंड में इसकी जो ताजी ब्याई की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही शानदार नीचे से बनने वाली और खुले अड्डर की शो क्वालिटी का मैं कहूँगा इसका आर्डर बनता है और बहुत अच्छी है। तो ये देखिए बोला इसने खोली है, रवि बाखड़ी है, लगभग 20-21 किलो दूध देने वाली भैंस है, तीसरी बार बच्चा देगी। और इसका जो ताजी ब्याई की वीडियो है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ले आ भाई, बहुत सारे भाइयों का हमारे पास फोन आता है कि हमें तोखड़ ग्याबण मज चाहिए, बहुत ही शानदार। तो जो ये भैंस है बहुत ही बढ़िया और बड़े अडर की भैंस बनती है, शो क्वालिटी की मैं इसका कहूँगा जो अडर का सिस्टम है वो, और पूंछ बहुत लगभग काली है, थोड़े से बाल वाइट हैं पूंछ में। एक भैंस ये जो हमारे पास बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमें बिल्कुल कम रेट का और ज़्यादा दूध का पशु चाहिए, ये भैंस कितना दूध रवि इसमें 12 किलो दूध है, और साथ में ये देखिए कटड़ी है, 5-4 दिन की ब्याई भैंस में 12 किलो दूध है और 15-16 किलो दूध आराम से निकाल देगी। ये देखिए कटड़ी भी बहुत अच्छी है भाई, इसके साथ इसने भी खोलियो भाई। तो इसका जो रेट है हमने बिल्कुल नेट रेट रखा है 90,000 रुपये इस दूध वाली भैंस का रेट है, 15-16 किलो दूध आराम से निकाल देगी, खुले शरीर की है, थोड़ी सी ब्यूटीफुल ज़्यादा नहीं है इसलिए ये रेट है, नहीं तो 15-16 किलो दूध वाले पशु का रेट अलग ही होता है। ये देखिए ले आ भाई, 15-16 किलो दूध, चौथे लैक्टेशन में, फोर्थ लैक्टेशन में, चौथे ब्याह में, साथ में इसके सुंदर कटड़ी है। ये देखिए ये वाली कटड़ी बिल्कुल ओरिजिनल मुर्रा है, लंबाई ऊंचाई बहुत अच्छी है कटड़ी की, और माँ की तरह ही खुले हाड़ पैरों की बनेगी। तो भैंस है उसके भी चारों थन बिल्कुल अलग अलग हैं। ये देखिए इसमें अभी आगे जो हमारे पास पशु है ये पहली ब्यांत की जोटी है और लगभग 6 दांत जोटी है, ये 6 दांत जोटी पहले ब्यांत की, खोलिए बोला इसने भी, 6 दांत जोटी है पहले ब्यांत में है, और लगभग मैं कहूँगा इसमें अभी दूध पूछेंगे रवि से कितना दूध है, इसके साथ में कटड़ा है ये वाला। तो ये भी लगभग मैं कहूँगा आज 5 दिन की ब्याई हुई है, अभी बिल्कुल कच्ची ब्याई है। रवि इसमें कितना दूध है भाई? इसमें भी 12 किलो दूध है और 16-17 किलो दूध बिल्कुल आराम से निकालेगी पहले ब्यांत में।
छः दांत है, थोड़ी बड़ी होके ज़रूर भी आई है, लेकिन जो ऑर्डर की क्वालिटी है वो देखिए बहुत ही बढ़िया। चल ले आ वापिस। बाकी शरीर से ऐसे लग रही है जैसे दूसरे व्यांत में है, और जो दूसरे व्यांत का जो इसका कारण है, छः दांत है, वैसे उम्र तो इसकी दूसरे व्यांत की ही है, लेकिन ब्याई है पहले व्यांत में। ये देखिए अभी भी बाई वगैरह आई हुई है पूरी थनों पे, और बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के थन हैं, दार बिल्कुल नरम है, और दूध भी बहुत बढ़िया निकालेगी। मेरी उम्मीद तो 18-19 किलो की है, ज़्यादा भी निकाल सकती है। ये देखिए बाई आई हुई है, और इसका रेट जो हमने रखा है वो 1,50,000 रुपये रखा है। पहले व्यांत की है, 17-18 किलो दूध भी दे सकती है, बाकी 15-16 किलो दूध से तो कम रहने का मतलब ही नहीं है। और ये जो भैंस है इसके भी चारों थन बिल्कुल अलग अलग, और बिल्कुल कोली चुवाई की बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये देखिए साथ में कटड़ी, जिसका मैंने 90,000 रुपये रेट बताया। तो ये पशु हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसमें जो कटड़ियों का रेट हमने रखा है वो 25,000 से शुरू होके 40,000 तक है, 40-45,000 तक है, और 25,000 से शुरू होके। तो ये सारे पशु जो हैं हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अभी जो हम फीड दे रहे हैं पशुओं को वो गेहूं का दलिया, और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें साइलेज है और तूड़ी है, साइलेज और तूड़ी चल रही है। और जो बाहर गोल गोल बंडल पड़े हुए थे वो मक्की का जो साइलेज है, मक्की का अचार भी बोला जाता है, वो मंगवाया पंजाब से ये वाला। और फीड में बिनोले की खल, गेहूं का चोकर, गेहूं का छिलका जो चोकर कह ले, चने का छिलका, सोयाबीन की चूरी टाइप से, और चने की चूरी, ये सब मिला के और पशुओं को 2 टाइम फीड दे रहे हैं। तो ये सारी देखिए कटड़ियाँ बैठी हुई हैं। ठीक है भाइयों, मेरा नंबर भी चल रहा है साथ साथ स्क्रीन पे। तो जो भी पशुपालक भाई कटड़ियाँ लेने के इच्छुक हैं या दूध वाली भैंस लेने के इच्छुक हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं देखने वाले भाइयों को कहना चाहूँगा, अगर आप बॉम्बे पूना से हैं तो वहाँ पे भी हमारी 4-4, 5-5 कटड़ियों की डिलीवरी उपलब्ध है। महाराष्ट्र में 4-5 कटड़ियाँ हम जो बड़ी गाड़ी वाले हैं उनके साथ अटैचमेंट है डेयरी वालों के साथ, तो हम कटड़ियाँ आपके पास बेच सकते हैं बॉम्बे और पूना में। तो पूना के बहुत सारे हमारे कस्टमर, बॉम्बे से भी काफ़ी सारे कस्टमर आए हुए हमारे फ़ोन आते हैं हमारे पास, जिनका अभी मेरे को नंबर ध्यान में नहीं है, नहीं तो उनके पास हम कटड़ियाँ जो हैं ये बेच देते। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं और बॉम्बे पूना से हैं, वो भी हमसे 2-4 दूध वाली भैंस या 2-4 जो कटड़ियाँ लेने के इच्छुक हैं, तो हम पूरी गाड़ी का लोड ना होते हुए भी कटड़ियाँ बेच देंगे, भैंस भी बेच देंगे दूध वाली। तो ठीक है भाइयों, सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी ज़्यादा पशु होने के कारण। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।